Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back again with another monthly favorites. I'm really sorry इस बार थोड़ा सा delay हो गया monthly favorite. You guys know September के first week में क्या हुआ और चीज़ उसके बाद delay हो गई. अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला Q&A देख लो. I am Roka fight by the way. अब मैं हर वीडियो में नहीं बोलूँगी रोका हो गया. वो वीडियो जाके देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. But moving on with our monthly favorites, इस बार बहुत सारे मेरे favorites हैं because last month आपको पता ही August में मेरे cousin की शादी हुई थी, उसके बाद मेरा रोका हुआ था. तो जब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, रिव्यू करी जाती हैं. तो अच्छे अच्छे मैं आपके लिए मंथली फेवरेट्स में इस बार प्रोडक्ट लेके आई हूँ फ्रॉम मेकअप, फैशन, इंक, ब्यूटी, स्किन केयर. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज एक दो स्किन केयर के आइटम है, मेकअप इस बार काफ़ी सारा है. तो सबसे पहले स्किन केयर को निपटा लेते हैं. सबसे पहला जो मेरा फेवरेट रहा है अगस्त मंथ का फेस वॉश, इट हैज़ टू बी द डॉक्टर शेड्स नीम एंड सैल्सिलिक फेस वॉश, सैल्सिलिक एसिड का. बेसिकली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं लास्ट मंथ इनके साथ स्पॉन्सर्ड कोलैब भी किया था, आपने मेरी सगन वाला शायद ब्लॉग देखा होगा, उसमें इंटीग्रेशन किया था इस ब्रांड का एंड आई रियली लाइक इट. अगर आपकी भी एक्ने प्रोन स्किन है, फिर ऑयली स्किन है ना, ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है. ये स्किन को ऐसे स्ट्रिप ऑफ नहीं करता, ड्राई नहीं फील कराता, एट द सेम टाइम एक्ने फाइटिंग इंग्रीडियंट्स भी है ना, तो एक्ने को भी कम करने में हेल्प करता है. आई पर्सनली रियली लाइक इट. मेरा डॉक्टर शेड्स के साथ कोड भी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. आजकल मैं इनका नया मॉइस्चराइजर भी ट्राई कर रही हूँ, जो इनका हल्दी हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क आता था ना, उसी सेम वेरियंट का मॉइस्चराइजर भी आ चुका है. आई एम यूजिंग दैट एज वेल. उसको मैं डेफिनेटली फ्यूचर में रिव्यू करने वाली हूँ. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन वो जो होगी वो स्पॉन्सर्ड होने वाली है, पहली बता देती हूँ. पर मुझे जेनुअली जब प्रोडक्ट पसंद होता है ना, मैं तभी रिव्यू करती हूँ. ऐसा नहीं है, आपको पता है कि मैं फालतू की ब्रांड्स ऐसे रिव्यू नहीं करती. सो दिस डेफिनेटली हैज़ टू बी माय ऑगस्ट फेवरेट फ्रॉम नॉन स्पॉन्सर्ड एडिशन. उसके बाद जो मेरा फेवरेट है वो है ये एक्ने पैचेस. ये मैंने फंक्शन शुरू होने से ही ना 2 या 3 दिन पहले मंगवा लिए थे, बिकॉज मेरे करंट वाले जो एक्ने पैच थे वो खत्म हो गए थे. एंड आई रिमेंबर प्री वेदा, ये जो ब्रांड है ना, इसके पैचेस मैंने बहुत पहले मंगवाए थे एंड दे वर्क्ड रियली वेल फॉर मी. मतलब काफ़ी जो मैंने पैचेस लिए ना, वो स्किन पे तो स्टिकी नहीं होते थे. मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है, काफ़ी बार कुछ मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यूज़ कर लिया तो ऐसे ना वो निकलते रहते थे. बट प्री वेदा के पैचेस मैंने देखा बहुत अच्छे स्टिक होते हैं. तो इस बार मैंने इनके ये इनविजिबल एक्ने पिंपल पैच मंगवाए अमेजोन से. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो इसमें दो ऐसे पैकेट्स आते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, इसके अंदर से मैंने काफ़ी सारे यूज़ कर लिए हैं. मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ. आई डोंट नो स्क्रीन पर कैप्चर होगा नहीं होगा, बट इसमें ना एक सर्कल है. मतलब अंदर जो पैच होता है वो अलग है और बाहर एक अच्छा और ज़्यादा स्टिकी वाला इसमें एक सर्कल बना हुआ है, जिससे काफ़ी अच्छे स्टिक हो जाते हैं. एंड आई रियली लाइक द साइजेस. लाइक सबसे बड़ा साइज है, देख छोटा भी हमारे पास साइज है, तो उनके पास साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं. सो आई पर्सनली रियली लाइक इट. बहुत अच्छे से स्टिक हुआ है और मैं इनको कंप्लीटली इनविजिबली बोलूँगी, जैसे बोल रहे ना प्रॉपर इनविजिबल. ऐसा नहीं है, पैचेस देखो दिख जाते हैं, कोई बहुत पास आके देखेगा तो दिख ही जाएगा. बट डेफिनेटली ये बाकी जो हाइड्रोक्लोरिक पैचेस आते हैं ना मार्केट में, उनके कंपैरिजन में ये पतले हैं. प्लस इनका जो वो आउटर रिम है ना, वो और ज़्यादा अच्छा एक स्टिकनेस देता है. तो आप मेकअप के अंदर भी इसको अच्छे स्टिक कर सकते हो. आप कुछ फाउंडेशन लगाओ या कुछ भी करो उसके ऊपर, वो अजीब सा फील नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिकर हाइड्रोक्लोराइड पैचेस. सो डेफिनेटली दीज आर वेरी नाइस. मैंने रैंडमली अमेजोन से मंगा लिया था बिकॉज इससे पहले प्रीवेदा वाले अच्छे निकले थे और वो बंद हो गए शायद, बिकॉज आई रिमेंबर मैं उनको भी फीचर करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे ऑर्डर सेक्शन में जब मैं जाती थी वो प्रोडक्ट क्लिक ही नहीं होता था, वो उन्होंने हर जगह से हटा दिए. सो अभी जो न्यू वेरियंट आया ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड पैचेस आर लाइक माई गो टू थिंग, बिकॉज मुझे पस्ट्यूल काफ़ी जल्दी हो जाते हैं. हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जो पस वाले एक्ने होते हैं वो हो जाते हैं, फिर वो पस इधर उधर फैल जाती है और एक्ने स्प्रेड होता है. तो उस वजह से मैं ये वाले पैचेस यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. सो दीज आर डेफिनेटली वेरी गुड. नेक्स्ट अप वी हैव अ मॉइस्चराइजर बाय द ब्रांड न्यूट्रीजिना. ये है न्यूट्रीजिना का ब्राइट बूस्ट मॉइस्चराइजर. ये अब इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है. जैसे उनकी हाइड्रो बूस्ट रेंज आती थी, वैसे इनके प्रॉपर पिंक कलर की ब्राइट बूस्ट रेंज है और ये उसी का ही मॉइस्चराइजर है. दिस इज सो गुड बिफोर यूजिंग मेकअप. आई थिंक ये मैंने किसी मंथली फेवरेट में दिखाया हुआ, पता नहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, मतलब लग रहा है कि मैंने दिखाया है नहीं दिखाया, बट आई लव्ड इट इन ऑगस्ट बिकॉज ऑगस्ट मंथ में जो मेरे कजन के जितने फंक्शन हुए ना, मैंने प्रॉपर हैवी मेकअप करने से पहले यही मॉइस्चराइजर यूज़ किया है. आई लव द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस वन. बट वही कौन है जो हाइड्रो बूस्ट में भी था, इसमें भी फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस बिल्कुल सूट नहीं करती तो आप ये स्किप कर सकते हो. बट आई लव इट. मतलब स्किन इतनी अच्छी ग्लो करती है ना इसको लगाने के बाद. और मैंने बहुत बाद में नोटिस किया कि इसमें बहुत टाइनी शिमरी इफेक्ट है. मतलब ऐसा पता नहीं चलेगा पास से, लेकिन काफ़ी छोटा छोटा एक इसमें शिमरी शिमरी जैसा फील होता है जो बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन को. सो इट्स लाइक अ स्ट्रोक क्रीम एज वेल. आप इसको अपने कोई भी मेकअप करने से पहले यूज़ कर सकते हो. मेरा मेकअप इसके ऊपर क्रैक नहीं होता, नरिश रहता है, ग्लो अच्छा आता है. इट्स लाइक द बेस्ट. अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आप एक मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो मेकअप करने से पहले, देन यू हैव टू ट्राई दिस वन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मेकअप. सबसे पहला जो मेरा मेकअप में फेवरेट रहा है ना पूरे इस वेडिंग सीजन में, वो है ये आई शेडो पैलेट. ये मुझे बहुत पहले नायका के पीआर में रिसीव हुआ था. ये मेकअप रेवोल्यूशन का इंटेग्रिटी वाइल्ड एनिमल पैलेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड.
आउटसाइड, और ये बिल्कुल ना ऐसे जेमिनी वाली पर्सनालिटी वाला पायलट है, बिकॉज ये बाहर से ऐसा लगता है कितना वाइल्ड, एकदम अंदर डार्क टोन्स के कलर होंगे, बड़ा एकदम बोल्ड वाले कलर्स होंगे, वैसे अंदर की पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम है, बट व्हेन यू ओपन इट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब अंदर से तो इसकी एकदम रेनबो वाली पर्सनालिटी है, ये लिटरली जेमिनी पैलेट आप इसको बोल सकते हो. सो दिस आवर लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, लाइक लुक एट दिस. इसके आप ये कवर से जज कर सकते हो कि अंदर से ऐसा लगेगा, बिकॉज मैं तो बिल्कुल जज नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग में, बट दिस इज सो सो गुड. मतलब ये जो पैलेट है ना, मैं इसको इंडियन वेडिंग पैलेट बोलने वाली हूँ, बिकॉज इट हैज ऑल द शेड्स जो आपके इंडियन आउटफिट में होते हैं, लाइक ग्रीन टोन, ब्लू का टोन, ऑरेंज का, एक लाइट ऑरेंज, एक थोड़ा सा डार्केस्ट रेड टोन ऑरेंज, एक पिंक कलर है, येलो कलर भी है जो बहुत कम पैलेट्स में मिलता है, लैवेंडर कलर है, देन आपको दो शिमरी कलर्स भी मिल रहे हैं, आपको ब्लैक में भी दो शेड मिल रहे हैं, एक ग्लिटरी में है, एक मैट में है. दिस लाइक द परफेक्ट पैलेट. मैंने जब जिस दिन जंप सूट पहना था ना मेहंदी नाइट पे, मैंने एक सैटन का जंप सूट पहना था. मैंने आउटफिट डालने शुरू कर दिए मेरे इंस्टाग्राम पर. सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी, बिकॉज वहाँ पर मैं 10-10, 30-30 सेकंड के आउटफिट्स डाल रही हूँ वेडिंग आउटफिट्स के, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे ही रही हूँ कि मैंने क्या क्या पहना था, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में. सो गो देयर एंड चेक इट आउट, बट दिस इज रियली गुड. मैंने जिस दिन वो जंप सूट पहना था ना, मैंने ये ग्रीन टोन और ब्लैक टोन को यूज़ करके शिमरी आइज क्रिएट करी थी. आई लव द फैक्ट इसमें एक शिमरी वाला ब्लैक कलर भी है, देन एक मैट वाला ब्लैक कलर है, ये ग्रीन कलर शिमरी वाला बहुत प्यारा है. दिस इज वेरी गुड. ये वाला जो पैलेट है ना, ये आपको नायका की सेल पर जब भी कोई अच्छी सेल लगती है ना, आपको 50% ऑफ तक पे मिल जाता है, एंड दिस वर्थ इट. लाइक अगर आपको अच्छी क्वालिटी का आई शेडो 50% पे मिल रहा है, ग्रैब इट, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली सस्ते आई शेडो पैलेट से भी लुक्स क्रिएट करने की कोशिश करी हुई है शादियों पर नहीं हो पाता, बिकॉज जब एक अच्छी क्वालिटी का आई शेडो यूज़ करो ना, वो अलग ही लेवल पर ग्लाइड होता है, वो बहुत स्मूथली ब्रश के उसके स्ट्रोक्स आते हैं, स्टे ज़्यादा अच्छा करता है, और जो लोकल चीप क्वालिटी के होते हैं ना, उसमें यूज़ करने में मज़ा नहीं आता. सो आई वुड से अगर आप एक पैलेट लेना चाहते हो फॉर ऑल द इंडियन वेडिंग ओकेजन, देन ग्रैब दिस वन. नेक्स्ट वी हैव अ टूल फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड मिलाग्रो, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, हो रहा है. मतलब अगर आप हर एक कोई रील यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी जाओगे ना, आपको कोई ना कोई ब्यूटी क्रिएटर दिख ही जाएगा इसको यूज़ करते हुए. सो रेवलॉन का सबसे पहला वो प्रोडक्ट आया था, जो रेवलॉन का ऐसे वॉल्केनिक रोल ऑन आता था, जो बेसिकली आप ऑयली स्किन पर ऐसे ऐसे रोल अप कर सकते हो, और जो भी एक्सेसिव ऑयल स्वेट होता है ना मेकअप के ऊपर जो होता है, वो हट जाता है और आपका मेकअप नहीं हटता. तो इसकी सबसे यूनिक बात यही है, अदरवाइज अगर आपको टिश्यू यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करो, आपका मेकअप रिमूव हो जाता है. सो मैंने भी उसी हाइप को देख के मिलाग्रो वाला मंगवाया था, बिकॉज जो रेवलॉन का है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप कस्टम्स एंड ऑल दोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वेयर एज ये मिलाग्रो वाला इंडिया में अवेलेबल है. सो दिस इट लुक्स लाइक, ये बॉक्स पैकेजिंग में आया था. मैंने एक रील भी शूट करी है शायद, अगर मेरे पास अभी क्लिप होगी तो मैं डेफिनेटली उसको फ्यूचर में एडिट करके डालूंगी. फर्स्ट फंक्शन जो मैंने अपने कजन का अटेंड किया था ना, पार्ट सेरेमनी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्वेट हो गया था, गर्मी हो गई थी, उसी दिन मैंने इसको अनबॉक्स किया था, यूज़ किया था, एंड इट वर्क्ड. मतलब वो वीडियो अगर मैं डालूंगी ना, उसमें आपने रिएक्शन देखना, जो भी ऑयल था ना, इसने ऐसे जुक करके हटा दिया था. मतलब इट्स लाइक मैजिक, ऐसे मैंने अप्लाई किया और सारा वहाँ से ऑयल हट गया, स्किन एकदम मैट हो गई, लेकिन मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं हिला. मैं इसको फिर बारात में भी लेके गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली गर्मी की शादी है, मुझे पता था शाम के टाइम जब बारात होगी गर्मी लगेगी, और मैं लिटरली बारात में साइड में जाके ना ऐसे यूज़ कर रही थी. मैं कजन्स वर ऑल्सो वॉचिंग की ये क्या यूज़ करी, आई वाज लाइक ऑयल हटा रही हूँ, ऑयल हटा रही हूँ. मेरा मेकअप इंटैक्ट रहा, इसने अच्छे से सारे ऑयल को हटा दिया था, और इसका जो बॉल साइज है वो भी एकदम परफेक्ट है. मतलब अच्छे से यहाँ नुक्स एंड कॉर्नर्स में भी चला जाता है, ईजिली ऐसे रोल हो जाता है. एंड द बेस्ट थिंग, जो मुझे पहले डाउट था कि मेरी एक्ने स्किन है, मैं ऐसे गंदा रोल ऑन तो बार बार यूज़ नहीं करूँगी, ये बेसिकली ओपन हो जाता है. यहाँ पर एक ऐसे ट्विस्ट किया और ये निकाल दिया. सो ये रही इसकी बॉल, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. इसको आप क्लीन कर सकते हो, आप इसको अपने टैप वाटर में क्लीन कर सकते हो, और फिर आप इसको रीयूज़ कर सकते हो. सो ये रीयूज़ पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा है. मैंने इसका नीचे गिरा दिया, बट लेट मी जस्ट जॉइन इट बैक. कैसे लगेगा ये? ओके, ये ऐसे लगा, ये मैं बाद ओके मुझे दोबारा जोड़ना पड़ेगा, बट आई थिंक यू गॉट द पर्पज राइट. दिस इज एक्चुअली इफेक्टिव एंड इट वर्क्स. नेक्स्ट अप आर फॉल्स आई लैशेज फ्रॉम मार्स. नाउ अगर आपको नहीं पता, मेरे से आई लैशेज नहीं लगती है. मतलब एक चीज़ जो मेकअप में मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, वो है लैशेज. लेकिन मैंने देख लिया, जब तक आप इंडियन वेडिंग के फंक्शन में लैशेज नहीं लगाते ना, आपकी मेकअप गेम बड़ी एवरेज लगती है, आपका पूरा जो मेकअप लुक है ना बड़ा ही एवरेज लगता है. तो इस बार मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं तीनों फंक्शन जो मेन फंक्शन हुए थे, लाइक सगन सेरेमनी, मेहंदी, शादी, उस पर लैशेज लगाऊँ. और नेल्स उस टाइम काफ़ी बड़े थे, अब तो मैंने खुद कट कर लिए, एक्सटेंशन काफी ज्यादा बड़े थे, बट स्टिल आई ट्राइड एंड आई सक्सीडेड. मैंने तीनों फंक्शन में खुद आई लैशेज लगाए, तो प्लीज मेरे लिए ताली बजा दो यार. एक बार बड़ा प्राउड मोमेंट मुझे फील हुआ, रोने निकले, स्ट्रगल हुआ, लेकिन मैंने लगाई ली. सो फर्स्ट फंक्शन था ना सगन का फंक्शन, उसमें मैंने मार्स की आई लैशेज यूज करी थी, ये 04 नेचुरल फ्लटर. अब तो खैर मैंने डाल दिए, ये कोई और डली हुई है इसके अंदर, वो उसमें रोकी वाली आई लैशेज डली हुई है जो मेकअप आर्टिस्ट ने लगाई थी, वो थोड़ी सी लाउड है, बट आई थिंक इसमें दूसरी वाली मार्स की लैशेज है जो मैंने शादी पर लगाई थी. सो या जो नेचुरल फ्लटर है ना, वो तो काफी
काफ़ी नेचुरल थी, मतलब काफ़ी लाइट थी, तो मैंने सगन के हिसाब से लाइट रखा, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। एंड दीज आर जस्ट फॉर ₹99। एंड मैं मतलब पहले डर रही थी कि 99 की लैशेज पता नहीं अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, थोड़ी लोकल तो नहीं लगेंगी, बट दीज आर वेरी वेरी गुड। इनकी लैश क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो दिस इज हाउ दीज लैशेज लुक्स लाइक। कैन यू सी, ये दूसरी वाली है, आई थिंक दिस इज ओजी प्रिंसेस। ये मैंने शादी वाले दिन लगाई थी बिकॉज दीज आर मोर ग्रैंड एंड लाइक मोर वॉल्यूमिनस। दिस आर इट लुक्स लाइक एंड दिस आर वेरी कंफर्टेबल। एक कशिका ज्ञान मैं दूंगी, हमेशा ना अपनी आईज को ऐसे मेजर कर लिया करो, कट कर लिया करो, बिकॉज ये लैशेज काफ़ी लंबी होती हैं और सबकी आईज ऑब्वियसली साइज तो सबका सेम नहीं होता। सो अगर आपको इनर कॉर्नर पर आपकी हुडेड आईज है, लाइक मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरी आईज काफ़ी ज़्यादा हुडेड हो गई हैं, तो अंदर से ना इनर कॉर्नर पर लैशेज चुभती हैं, तो मैंने ये हर बार यही किया था, मैंने ऐसे मेजर किया और अंदर का एक पोर्शन मैंने कट कर दिया था, जो आईब्रो वाली सीजर होती है ना, मैंने उसे कट कर दिया था और फिर ये कंफर्टेबल हो जाता है, फिर आप इजीली इसको ऐसे लगा सकते हो। आई लव्ड इट। आई थिंक 99 में दीज आर द बेस्ट लैशेस। दो मैंने ट्राई करके देख लिए वेरिएंट और मुझे पसंद आए, सो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी। प्लस मार्च के साथ मेरा कोड भी है, मार्च के साथ मेरा कोड है कशिका10, उससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। सो डेफिनेटली आपको ये स्टील डील प्राइस में मिल जाएंगी, यू हैव टू ट्राई दीज बिकॉज दीज आर वेरी गुड। टू प्रोडक्ट जो मुझे एज अ बेस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब पहले से यूज करती आ रही हूँ, तो आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में, वो है ये दो पाउडर। सबसे पहले है ये हुडा ब्यूटी का इजी बेक लूज पाउडर, ये तो आपने मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, बट इस वेडिंग सीजन का ये मेरा फेवरेट लूज पाउडर आया है। सो दिस आउट लुक्स लाइक, इसका जो शेड है वो है शुगर कुकी। दिस आउट लुक्स लाइक, और ये नायका की जब सेल लगती है ना, ये आपको 50-60% ऑफ पे मिल जाता है। सो वंस यू ओपन इट, इसकी बिल्कुल मेबलिन फिट मी जैसी बाहर से पैकेजिंग है, लेकिन अंदर जो मैश है ना, वो एकदम के ब्यूटी का जो लूज पाउडर आता है ना, वैसा मैश है। तो आई थिंक फिट मी और के ब्यूटी के लूज पाउडर का ये मिक्स जैसी इसकी पैकेजिंग है। एंड दिस आउट लुक्स लाइक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, कलर ट्रांसलूसेंट जिसको बोलते हैं। सो आपका जो भी स्किन टोन हो, ये सूट कर ही जाएगा, बिकॉज ये अपना कलर आपकी स्किन पर नहीं छोड़ता। सी, कोई कलर एज सच नहीं आया, बट ये बहुत अच्छे से आपके पोर्स को फिल इन कर देता है। मतलब जब मैं इसको एक ड्राई ब्लेंडर से ऐसे हल्के से डैम भी नहीं बोलूंगी, गीला नहीं बोलूंगी, लेकिन जो थोड़ा सा वेट होता है ना ब्लेंडर, हल्का हल्का उसको ऐसे टच करके जब ऐसे पुश करती हूँ ना, तो वो लिटरली प्रोडक्ट ऐसे अंदर चला जाता है और सारे मेरे पोर्स ऐसे एकदम सॉफ्ट और स्मूदर फील होते हैं। मैंने इस बार जो बाहर से मेकअप कराया था ना अपने रोके हुए, मुझे अपने फेस मतलब स्किन इतनी अच्छी नहीं लगी, पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विजिबल थे। हाउएवर जब मैं खुद करती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा अच्छा फ्लॉलेस मेकअप करती हूँ, तो उसे मुझे मेकअप करके पता चल गया था कि हाई पी है, ये सारे फिल्टर लगा लगा के एकदम स्मूथ स्किन बना देते हैं, इतना होता नहीं है। आई थिंक मुझे अपना किया हुआ मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। बट या फॉर मी पर्सनली दिस इज लाइक द बेस्ट लूज पाउडर, इट वर्क द बेस्ट फॉर मी। सेकंड वन इज अ कॉम्पैक्ट बाय लैक्मे। मैंने जस्ट अभी लैक्मे के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो बनाई थी, वैसे मैंने वो बहुत पहले शूट करी थी, लेकिन वो अप्रूव होते होते काफ़ी लेट हो गई और अभी रिसेंटली अपलोड हुई थी। उसमें मैंने लैक्मे के सारे सन केयर प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था, जो इनकी सनस्क्रीन आती है, आफ्टर सनस्क्रीन जेल आता है, डी टैन वाला जो प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसमें ये कॉम्पैक्ट भी था। एंड दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्पैक्ट टू डी टच एज ए सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट। सो ये लैक्मे सन एक्सपर्ट का SPF 40 UVA UVB PA ट्रिपल प्लस का कॉम्पैक्ट। दिस हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज वेरी गुड फॉर डे टाइम फंक्शन, बिकॉज जो दिन में धूप में फंक्शन होता है ना, ऑब्वियसली आप मेकअप वाली स्किन पे ऊपर से सनस्क्रीन तो अप्लाई करोगे नहीं, या फिर आप कोई सनस्क्रीन की स्टिक भी लगा सकते हैं, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। सो दिस इज लाइक द बेस्ट वे, आप इसको बार बार टचअप भी कर सकते हो, आपका मेकअप टचअप हो जाता है, एक सनस्क्रीन की लेयर आ जाती है आपकी फेस के ऊपर। और अगर आप कोई भी तरह का लाइक एक्ने प्रोडक्शन ऑल यूज करते हो लाइक मी, मैं बहुत सारे एक्ने ट्रीटमेंट्स भी यूज करती हूँ, तो मेरे लिए सन प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी है, अदरवाइज माई स्किन विल गो रियली बैड अंडर द सन। सो दिस इज नाइस, लाइक SPF 40 की लेयर आपको एक मेकअप फॉर्मुलेशन में मिल रही है इन सच अफोर्डेबल प्राइस। लाइक दिस जस्ट फॉर ₹275 और नायका अमेजोन की सेल पे तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट लिपस्टिक्स ऑफ द मंथ। सो ऑगस्ट मंथ की जो मेरे सारे फंक्शन में फेवरेट लिपस्टिक रही है ना, वो है ये दो शेड। मैक मेहर भी मैंने काफी यूज किया, लेकिन मैं वो ऑलरेडी लास्ट मंथ के फेवरेट में फीचर कर चुकी हूँ, तो मैं अब नहीं बता रही, बट ये दो मेरे फेवरेट रहे हैं। सबसे पहले है ये कीरो ब्यूटी का जिंजर टी। दिस आर द लिपस्टिक लुक्स लाइक। फर्स्ट फॉर लग्जूरियस पैकेजिंग, ऐसे मैग्नेटिक एक क्लोजर में आता है और मैग्नेटिक क्लोजर भी इसका काफ़ी टाइट है, तो ऐसा नहीं आपके बैग में खुल जाएगा, लाइक इट्स क्वाइट स्टर्डी। एंड दिस इज हाउ जिंजर टी लुक्स लाइक, सच अ ब्यूटिफुल ब्राउन टोन शेड, लेकिन वो डार्क ब्राउन इफेक्ट नहीं देता, मतलब ये रेड ब्राउन का एक मिक्स कलर है, न्यूडिश शेड है, जो मेरी स्किन टोन में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है ना, तो ये वाला शेड ट्राई करना, मैंने अभी यही लगाया हुआ है। आई थिंक हट गया है थोड़ा सा, बिकॉज बहुत देर हो गई, मैंने इससे पहले एक ब्रांड की वीडियो शूट करी थी, सो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे मुझे हो चुके हैं अब शूट करते करते, और मैंने लिपस्टिक टचअप नहीं करी। सो लेट मी जस्ट सी, या इट्स लाइक इट्स स्टिल देयर, इतनी कोई हटी नहीं है, खाली जो अंदर से मैं लिक करती हूँ ना, वो थोड़ा सा रिमूव हो गया है। सो लेट मी जस्ट,
आई लव इट, इट ग्लाइड्स लाइक बटर. अगर आपको अपनी लिपस्टिक रीटच करनी हो ना तो ऐसे मॉइस्चराइजिंग येट मैट फॉर्मुलेशन यूज़ किया करो. मतलब ये मैट है लेकिन ये मेरे लिप्स को चैप नहीं कर रहा. सी इट लुक्स सो गुड, एकदम सटल लगती है. ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा शेड है बिकॉज लाइक अगर कॉर्पोरेट या फिर थोड़ा ऑफिस लुक की बात करो ना तो मुझे ऐसे शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं. सटल भी लगते हैं, लिप्स पर एक कलर आता है और ओवरऑल फेस काफ़ी अच्छा ब्राइटन अप लगता है. सो दिस जिंजर टी हैज़ टू बी माई फेवरेट. एंड सेकेंड फेवरेट इज़ फ्रॉम प्लम. प्लम की मैटरिफिक लिपस्टिक लॉन्च हो चुकी हैं. सो ये प्लम का शेड है 124 प्लश आर. अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड दिस आर लुक्स लाइक. ये हल्का सा लाइट है एज़ कम्पेयर टू जिंजर टी, बट ये भी बहुत प्रिटी लगता है. अगेन एक न्यूड फैमिली का शेड है जो एवरीडे में बेसिस पे अच्छा लगता है. मैंने इस बार शादी पर ना फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा एकदम बोल्ड आइज करी थी, काफ़ी लैशेस लगा ली थी, आई शेडो हैवी करी थी. तो आपको बैलेंस आउट करने के लिए ना थोड़ा सा एक सटल लिपस्टिक ही यूज़ करनी होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर लगता है. सो मैंने दोनों तीनों चारों फंक्शन में ना ऑलमोस्ट ऐसे शेड यूज़ किए थे. ज़्यादा इसके ऊपर ग्लॉस टॉप अप कर लिया था बिकॉज आजकल ग्लॉसी लिप्स का फैशन है इसलिए, बट अदरवाइज आई लव बोथ ऑफ. स्टार्टिंग विथ फैशन कैटेगरी, सबसे पहले है मेरे पास ये PR जो मेरे पास अगस्त में रिसीव हुआ था एंड आई लव्ड इट. आई न्यू इट कि मुझे मंथली फेवरेट में फीचर करना ही करना है बिकॉज आई लव दिस ब्रांड एज अ होल आइडियोलॉजी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, पैकेजिंग भी. सो द ब्रांड नेम इज ZOOK. आई होप आपको ये पता होगा बिकॉज इनके बैग्स, लैपटॉप बैग्स काफ़ी फेमस है और अभी इन्होंने अपने फुटवेयर भी लॉन्च कर दिए. ये मुझे PR में आया था, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड. सो दिस ऑल द बॉक्स लुक्स लाइक और इसमें इन्होंने मुझे सेंड किया है बेसिकली कोल्हापुरीज और इनका ये बहुत अच्छा पैम्पलेट आता है. बेसिकली इट्स लाइक अ पेपर और उसमें प्रॉपर एक फुट बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे लाइंस डली हुई हैं जिससे आप अपना फुट साइज देख सकते हो. सो जस्ट इन केस यू आर कन्फ्यूज अबाउट योर फुट साइज, आपको इससे पता चल जाएगा. सो दिस इज हाउ द कोल्हापुरी लुक्स लाइक एंड दे आर सो प्रिटी. मैंने एक दिन ये पहनी भी थी, थोड़ी देर के लिए पहनी थी, ज़्यादा देर नहीं पहनी थी. मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गई थी, मुझे टेस्ट करना था इनको बेसिकली इनकी क्वालिटी कैसी है. आई लव्ड इट. मतलब मेरी लाइफ की सबसे कंफर्टेबल जो फुटवेयर होगी ना वो यही होने वाली है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक. आई लव द फैक्ट इसका कुशन इतना सॉफ्ट है, मतलब इट हैज सच सॉफ्ट कुशन, कैन यू सी. प्लस इसके पीछे का जो वो ग्रिप है ना वो भी काफ़ी अच्छी है. यूजली जब मैं ऐसी कोल्हापुरी लोकल मार्केट से सस्ती वाली लेती थी ना, उनका नीचे का इतना फ्लैट होता था, मैं काफ़ी बार स्लिप हो जाती थी, स्टेयर से उतरते हुए ऐसा लगता था गिर जाऊंगी. बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसके नीचे की जो ग्रिप है ना, मतलब इट कीप्स योर फीट स्टर्डी, फ्रिक्शन अच्छा क्रिएट रहता है और ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, बेसिकली इनके पास बेलीज भी हैं, बेलीज हैं, चप्पल्स हैं, लेकिन मैंने ये वाले चूज़ किए बिकॉज मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा. लाइक इट हैज़ दिस फ्लोरल प्रिंट गोइंग ऑन, रेड का, ग्रीन का, एक टैन कलर का इफेक्ट है. साइड से भी जो लूप है बहुत अच्छा लगता है. आई लव इट. आई थिंक द ओवरऑल आइडियोलॉजी ऑफ दिस ब्रांड इज रियली नाइस, इसलिए मैं मंथली फेवरेट में फीचर कर रही हूँ. और जस्ट अभी जब मैंने बॉक्स खोला, इसके अंदर ये पैम्पलेट भी था जो मैंने पहले नहीं देखा. सो एक बार खोल के देखते हैं ये क्या है. ओह, वी हैव अ बुक मार्क इन साइड इट. हाउ क्यूट इज दैट. दिस आर लुक्स लाइक. मैं बुक्स नहीं पढ़ती बट जो पढ़ता होगा उसको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगने वाली है. वी हैव अ बुक मार्क. देन वी हैव अ पैम्पलेट जिसमें डिस्काउंट कोड है. सो ये कोड आप देख लो जस्ट इन केस आपको अगर डिस्काउंट चाहिए. बट मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, मैं नीचे भी डाल दूंगी. अगर आप वो कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इनके प्रोडक्ट्स पर. बट ओवरऑल आई लव्ड इट. आई थिंक दिस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड नाइस. सो हैव टू हेयर केयर फेवरेट जो मैं ऊपर लाना भूल गई. मैंने सोचा था जब ऊपर जाऊंगी ना वॉशरूम से लेती हुई जाऊंगी, लेकिन मेरी मदर उस टाइम नहा रही थी तो मिस आउट हो गया. अब मैं दोबारा नहीं जा रही, बहुत चक्कर लग जाते हैं. बट आई इंसर्ट द पिक्चर राइट ओवर हेयर. सबसे पहले है ये नायका का शैम्पू. यू गाइज नो हाउ मच आई लव नायका के शैम्पूज. मैं हर एक शैम्पू हर मंथ में शायद फीचर कर ही चुकी हूँ बिकॉज मैं लास्ट ईयर से इनके सारे वेरियंट यूज़ करती आ रही हूँ. मैंने इनका स्टार्टिंग वाला आंवला वाला, फिर इनका जो एक और वेरियंट आया था कड़ी पत्ता, आई थिंक कुछ ऐसी वाला वेरियंट आया था, फिर एक डैंड्रफ वाला वेरियंट आया था, और अब रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है ना कुछ टाइम पहले, वो ये वाला रेंज लॉन्च हुई है जो इनका चारकोल वाला वेरिएंट है. इसका जो कलर है वो हल्का सा चारकोल ग्रे जैसा भी कलर है और ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा. मैं 1 month से इसको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मैं हाफ कर चुकी हूँ. आई लव इट. इट वर्क सिमिलरली लाइक ऑल दो शैम्पू. वैसे नायका के सारे शैम्पू ना एक जैसे ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी एक पिक कर लोगे तो बिल्कुल डिफरेंट वर्क करेगा. बस खाली वेरियंट्स का, इंग्रीडियंट्स का इतना कोई फर्क होगा. तो अपने हेयर टाइप के हिसाब से देख लो कि आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए, आपको डैंड्रफ पे वर्क करना है, आपको हेयर फॉल की कोई इशू है. ये जो चारकोल वाला वेरिएंट है ये भी वही है, गंग डस्ट निकालने वाला आपकी स्कैल्प से, प्लस एक स्मूथनेस देता है आपके बालों पे. तो अगर आप थोड़ा बहुत स्मूथनिंग पे फ्रिज पे वर्क कर रहे हो तो ये चारकोल वेरिएंट काफ़ी अच्छा है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, अभी तक मेरे बालों पे अच्छा वर्क करा. आज ही मैंने वही शैम्पू यूज़ किया ना, आई लव्ड इट. सो ये मेरा पहला हेयर केयर फेवरेट होने वाला है. एंड सेकेंड हैज़ टू बी दिस लॉरियल का गोल्ड किनुआ हेयर मास्क. ओ माई गॉड. सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है. ये मुझे लास्ट ईयर PR में रिसीव हुआ था. आई थिंक मैंने लास्ट ईयर अराउंड एक वीडियो बनाई थी ना PR अनबॉक्सिंग
मेडिसिन की, तब मैंने आपको शायद दिखाया था, और उसके बाद नहीं रखा ही रहा बिकॉज मेरे पास इतने सारे हेमास ऑलरेडी थे तो उसकी बारी नहीं आ रही थी बेचारे की। इस बार जब मैंने इसको खोला, मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं क्या मिस आउट कर रही थी अभी तक। मतलब इसको रिंस ऑफ करते ऐसी फील आई जैसे मैंने कोई केराटिन ट्रीटमेंट करा ली है। अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है, ऑब्वियसली पिछले साल की अलग पैकेजिंग थी, अब लॉरियल ने थोड़ी सी चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर दिया है, पैकेजिंग चेंज हुई है, लेकिन जो पूरा फॉर्मुलेशन ऑल है वो बिल्कुल सेम है। इट इज़ सो सो गुड। आप ये प्रोफेशनल में भी देखोगे, आप कहीं सैलॉन्स वे अच्छे प्रोफेशनल्स के पास भी जाओगे ना हेयर ट्रीटमेंट के लिए, वो भी हेयर स्पा के टाइम यही वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आई वुड से घर पे ही लेके रख लो, हर बार यूज़ करो, आपको एकदम हेयर स्पा वाले रिजल्ट मिलेंगे। मैं भी इसको अच्छे से अच्छे से बालों को निचोड़ के एक्सेस वाटर हटा के स्ट्रैंड्स पे लगा के बन बना लेती हूँ, थोड़ी देर तक रखती हूँ और फिर इसको रिंस ऑफ करती हूँ 10-15 मिनट बाद, सो दैट अच्छा रिजल्ट दे मेरे बालों पे। एंड दिस इज द रिजल्ट। आज मैंने यही यूज़ किया और आज मैंने कोई भी हेयर ड्रायर ब्लो ड्रायर कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये नेचुरली सूखे हुए बाल हैं एंड आई लव इट। मतलब ऐसे जो बाल टच करो तो बड़ा एकदम स्मूथनिंग वाली फील आती है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, या अभी तक मेरे बालों से खुशबू आ रही है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। आई लव इट। आई थिंक आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस रेंज। इसका शैम्पू भी मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में यूज़ करके रिव्यू करने वाली हूँ। एंड एट लास्ट थैंक गॉड मुझे याद आ गया, मेरे नेल एक्सटेंशन ऑब्वियसली मेरा फेवरेट होने वाला है अगस्त मंथ का। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन कराया, अब तो खैर मैंने कट कर दिए फंक्शन सारे मेरा रोका के बाद ना, नेक्स्ट डे मैंने इनको कट कर दिया था बिकॉज इतने लंबे नेल्स मेरे से नहीं मेंटेन होते, कुछ काम नहीं हो पाता था, मैं मेकअप करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, कर्ल्स नहीं होते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंज रहा है पूरा वेडिंग सीजन मेरे लिए। बट आई डिड इट माई बेस्ट विद दीज नेल्स, काफ़ी स्टर्डी हैं, लाइक अभी तक ये सही चल रहे हैं। आपने देख लिया होगा अब गैप आना शुरू हो गया, थंब में आपको दिख जाएगा ये गैप आना शुरू हो गया बिकॉज ऑब्वियसली अभी ग्रो आउट हो रहे हैं, बट अभी तक ये अच्छे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट अब 20-25 डेज होने वाले हैं कुछ दिन बाद और ये अच्छे स्टर्डी चल रहे हैं। ये मैंने रजौरी में गई थी, जोई नेल्स मैंने वहाँ से करवाए थे, 1500 समथिंग के पड़े जो मुझे काफ़ी प्राइजी लगा। मुझे ना अभी नेल्स का नहीं पता ये कहाँ अच्छे होते हैं कहाँ सस्ते होते हैं बिकॉज मैंने कभी कराए नहीं है, तो मैं सबसे बेस्ट नेल्स सैलॉन में चली गई थी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मैंने वहाँ से कराए, एकदम शादी वेडिंग वाले करवाए थे। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मतलब बहुत टाइम आपको चाहिए होता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं करते करते, बट आई थिंक आप फ्री हो जाते हो लाइक सारे फंक्शन में, एकदम ये स्टर्डी रहे, ऐसा नहीं है कि कहीं चिप हो रहा है कहीं से निकल रहा है, अच्छे भी लगते हैं, एकदम यूनिकनेस कह रही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है आपके नेल्स की, और एक पूरी जो लुक आती है ना वो काफ़ी अच्छी आती है। सो डेफिनेटली अगर आपके भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेडिंग या कुछ भी है, तो आप भी डेफिनेटली एक्सटेंशन करा सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज। आई नो नेल बेड आपका डैमेज होता है, बट ऐसे रेगुलर मत कराना। अब मैं इनको हटा लूँगी सो दैट मेरे एक्चुअल नेल्स थोड़ा सा ब्रीथ कर पाए, बट फॉर नाउ आई रियली लाइक इट। मतलब अगर कुछ अच्छा इवेंट होगा ना मेरी लाइफ में तो आई थिंक मैं कराऊंगी बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड दैट इज इट फॉर माई मंथली फेवरेट्स वीडियो। ये थे मेरे सारे अगस्त मंथ के फेवरेट, आई थिंक इस बार काफ़ी सारे मेरे फेवरेट्स हो गए, बट आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। दिस वीडियो वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड, ये सारे नॉन स्पॉन्सर्ड मेरे रिकमेंडेशन है। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर लेना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। I'll see you next time. Bye-bye.